नमस्कार दोस्तों, ओवर इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। हाल ही में टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया दौरा खत्म हुआ है। 4 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच के दौरान काफी विवाद हुआ था। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए इस ड्रॉ टेस्ट मैच के दौरान टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर नस्लीय टिप्पणियां की गई, जिसके बाद कुछ देर के लिए मैच रोकना भी पड़ा था। इसको लेकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से कहा है कि वो उन दर्शकों को पहचान पाने में असमर्थ रहे हैं जिन्होंने सिडनी टेस्ट के दौरान भारतीय खिलाड़ियों पर नस्लवादी टिप्पणियां की थी, और जिन 6 को मैदान से बाहर किया गया था वे असली दोषी नहीं है। द एज की रिपोर्ट के अनुसार सीए के 6 जांचकर्ताओं ने सिडनी टेस्ट के दौरान मोहम्मद सिराज पर नस्लीय टिप्पणी करने के आरोप में मैदान से निकाले गए 6 दर्शकों को क्लीन चिट दे दी है। सीए ने आईसीसी को जांच की रिपोर्ट भेज दी है। आईसीसी ने उसे रिपोर्ट देने के लिए 14 दिन का समय दिया था। अखबार ने कहा, सीए को न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है। उसे पूरा यकीन है सिडनी टेस्ट के 4th दिन मैदान से निकाले गए 6 दर्शकों ने खिलाड़ियों पर नस्लीय टिप्पणियां नहीं की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनका मानना है कि खिलाड़ियों पर नस्लीय टिप्पणियां की गई, लेकिन सीए के जांचकर्ता दोषियों को पहचान नहीं पाए हैं। तीसरे टेस्ट मैच के 4th दिन सिराज ने दर्शकों की ओर से नस्लीय टिप्पणियों की शिकायत की थी, जिसके बाद खेल कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। पुलिस ने 6 दर्शकों को मैदान से बाहर निकाल दिया था। बीसीसीआई ने इस घटना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अखबार ने कहा है कि सीए ने कई भारतीय खिलाड़ियों से पूछताछ की और दर्शकों की भी गवाही ली है। लाइव मैच के दौरान साफ तौर पर देखा गया था कि सिराज ने अंपायरों को एक और इशारा कर बताया था कि वहां बैठे कुछ दर्शकों ने उन पर नस्लीय टिप्पणियां भी की थी। इसके बाद वहां मौजूद 6 दर्शकों को बाहर कर दिया गया, लेकिन अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का ये बयान कि वो नस्लीय टिप्पणी करने वालों की पहचान नहीं कर पाए हैं काफी हैरान कर देने वाला है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया मोहम्मद सिराज पर नस्लीय टिप्पणी करने वालों पर मेहरबान नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।